नमस्कार मित्रों, मैं हूं न्याय पूजक एडवोकेट गोविंद दाता, आपका दोस्त। और आपको हिंदी में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए ये अपना चैनल न्याय पूजक आपको समर्पित करता हूं। और हम इस चैनल के माध्यम से आपसे हिंदी में वार्तालाप करके कानून की जानकारी आदान प्रदान करेंगे। आज मैं आपके पास लाया हूँ एक ऐसे न्यूज, एक ऐसे समाचार जो आपको पसंद आएंगे या तो आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। क्योंकि देखिए, आज हम जानते हैं इस बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाई प्रोफाइल सौर घोटाला मामले में आरोपी सरिता नायर द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसका वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर नामांकन खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अक्टूबर 2019 में केरल हाईकोर्ट द्वारा याचिका किए जाने और दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पहले वकील की गैर उपस्थिति के लिए उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी। बाद में उनके वकील ने याचिका की बहाली में मांग करते हुए आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि डिफॉल्ट बीसी के माध्यम से पेश होने की तकनीकी कठिनाइयां के कारण है। खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका को बहाल कर दिया और गुण दोष के आधार पर इसे खारिज कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हाईकोर्ट ने माना कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के तहत अनिवार्य रूप से याचिका को उचित प्रारूप में दायर और सत्यापित नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार चुनाव याचिका दायर नहीं की और कई अनुसंलग्न में सत्यापित किया बिना और किसी ठीक से चिन्हित किए बिना आकस्मिक तरीके के दायर किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि सरिता एस नायर को धोखाधड़ी के दो आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है और इसलिए आरपी अधिनियम धारा 8(3) के अनुसार चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि उसकी चुनाव याचिका पोषणीय नहीं है। वास्तव में एनरकुलम और वायनाड निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसरों ने इस आधार पर खारिज कर दिया। हालांकि सरिता नायर ने बताया कि गांधी के खिलाफ अमेठी यूपी में चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन को वहां से रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि यह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। हाईकोर्ट ने जस्टिस साजिद पी वाली की पीठ ने कहा कि चुनाव याचिकाओं को अधिनियम 1951 की धारा 86(1) के संदर्भ में ऊपर बताए गए लाइलाज दोषों के आधार पर खारिज कर दिया गया और यह कि याचिकाकर्ता को अधिनियम 1991 की धारा 8(3) सपठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के तहत निहित अवरोधों के मद्देनजर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया। इस जजमेंट की पूरी पीडीएफ कॉपी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी गई है, आप भी इसको डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कानून के संलग्न विषयों पर हम अपने वीडियोस यहीं पे रखेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतम कानून की जानकारी हम ऐसे ही फैला सके। थैंक यू सो मच टीम न्याय पूजक।